नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। 5 सितंबर से समाहरणालय पर किसानों का प्रस्तावित एक दिवसीय धरना की तैयारी को लेकर बैठक। जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने, किसानों को फसल क्षति का मुआवजा देने, विस्थापित परिवारों को पुनर्वास की व्यवस्था, प्रत्येक लीटर 10 रुपया दूध पर किसानों को सब्सिडी देने, खाद की कालाबाजारी सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर 5 सितंबर को बेगूसराय समाहरणालय के समक्ष किसानों व पैक्स अध्यक्षों एक दिवसीय धरना की तैयारी की। तैयारी को लेकर बरौनी एक भक्ति जो पुस्तकालय के सभागार में 13 प्रखंड के किसान एवं पैक्स अध्यक्षों की संयुक्त बैठक किसान सभा के प्रखंड सचिव सह किसान नेता दिनेश सिंह की अध्यक्षता में की गई। बैठक में विभिन्न मुद्दा सहित खाद की कालाबाजारी, किसानों को उचित मूल्य पर खाद मुहैया करवाने, जिला कृषि कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के साथ ही जिले को सूखाग्रस्त घोषित व किसानों को लोन माफ करने सहित जिला स्तरीय धरना की तैयारी व जिला कृषि पदाधिकारी के किसान विरोधी रवैया एवं जिला कृषि कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा खुदरा दुकानदार व किसानों को उचित मूल्य पर खाद मुहैया करवाने के साथ ही खाद के साथ नैनो यूरिया एवं एंजाइम जैसे अन्य उत्पादकों को जबरन देने जैसे दर्जनों किसान की समस्या से जुड़े एजेंटों पर बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में जुलूम सिंह, सनातन सिंह, पूर्व मुखिया भोला सिंह, विधान परिषद तेगरा अनुमंडल प्रतिनिधि विनोद मिश्रा उर्फ गोरेलाल बाबा, ब्रौनी 2 के पैक्स अध्यक्ष मुरारी यादव, फुलवरिया 3 के अशोक महतो, बारो उत्तरी के नागेंद्र सिंह, निपनिया मधुरापुर के संधीर सिंह, बरौनी 1 के सरोज सिंह, गोरा 2 के मुखिया पंकज पासवान, ब्रज किशोर चौधरी, पंकज कुमार, मिंटू कुमार के अलावा अन्य किसान मौजूद थे। तेगरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। पाँच सितंबर हम DM के सामने धरना कार्यक्रम करने जा रहे हैं। 9 सूत्री हमारा मांग है, वह मांग है फसल बीमा, वह मांग है जितने किसान हैं 60 साल के ऊपर उनको 10,000 रुपया पेंशन, दूध पर 10 रुपये लीटर सब्सिडी, हम जो विस्थापित परिवार हैं उनको बसाने की योजना, हम तेगरा प्रखंड के न CO हैं, न BO हैं, न DCLR हैं, इसलिए हम चाहते हैं यहाँ तुरंत उन अफसरों की बहाली स्थापित तेगरा में हो ताकि हम लोगों का काम चल सके। खाद के सवाल पर जो क्राइसिस है, अभी भी बहुत जगह खाद का दाम कुछ ज़्यादा रेट में बेच रहा है। हम प्रशासन से ये भी कहेंगे जो 266 रुपये बोरा प्रति यूरिया मिले। हम चाहेंगे या अब हमारे सामने कार्तिक भाव का प्रश्न उभर गया है, इसलिए निश्चित तौर से इस कार्तिक भाव का रोड मैप बनाकर जितनी खाद लगे उतना खाद को पूरा करें। हम चाहेंगे जो फसल सूखा क्षेत्र हो गया है, फसल बर्बाद हो गया है, इसलिए तेगरा प्रखंड के सभी किसानों को फसल क्षति का मुआवजा मिलना चाहिए। हम चाहेंगे जो हमारे ऊपर जो बिजली की एबिलिटी है, आप देख रहे हैं जो हम बोरिंग चलाते हैं 1 घंटा बिल बन जाता है।